दिस वन लाइन विल डिसाइड आवर फ्यूचर। ये एक ऐसी लाइन है जो दर्शाती है कि पूरी दुनिया में ऑन अ 7 डे रोलिंग एवरेज कितनी वैक्सीन्स दी जा रही हैं। मतलब पिछले 7 दिनों में हर दिन ऑन एन एवरेज कितनी वैक्सीन्स दी गई हैं। दिसंबर 20th यानी वैक्सीन के फर्स्ट रोल आउट से लेके 17th मई तक यानी जब हमने इस वीडियो के लिए रिसर्च की तब तक दुनिया का 7 डे रोलिंग एवरेज हाईएस्ट था ऑन 17th मई। इस दिन का 7 डे रोलिंग एवरेज वाज मोर देन 24 मिलियन। अब अगर आने वाले हर दिन में इतनी ही वैक्सीन्स दी जाएं, तो 100% वैक्सीनेशन पॉसिबल होगा इन नॉट 100, नॉट 200, बट इन 597 डेज, यानी 1.5 साल से भी ज्यादा में, बाय जनवरी 2023, एंड दैट्स रियली रियली फार। हमने शुरुआत की पूरे वर्ल्ड से, अब इंडिया के केस में आते हैं। इंडिया में वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू हुई ऑन 16th जन। तब से 17th मई तक इंडिया में अराउंड 40 मिलियन लोगों को वैक्सीन के दोनों डोजेज लगे। इस डेटा के मुताबिक इंडिया की पूरी पॉपुलेशन को फुली वैक्सीनेट करने के लिए हमें अभी भी 2 बिलियन से ज्यादा डोजेस चाहिए। ये फुल वैक्सीनेशन कब पॉसिबल हो पाएगा, ये जानने के लिए देखते हैं कि इंडिया में सबसे ज्यादा 7 डे रोलिंग एवरेज वैक्सीन कब दी गई। On 10th April, 10th April को इंडिया का 7 डे रोलिंग एवरेज वॉज अराउंड 3.6 मिलियन। तो अब सवाल ये आता है कि अगर आने वाले हर दिन इंडिया में इतनी ही वैक्सीन दी जाए तो इंडिया फुली वैक्सीनेट कब हो पाएगी। जवाब है 710 दिनों में यानी 1.9 years में, बाय April 2023। लेकिन क्या ऐसा कोई सिनेरियो है जिसमें हम फुल वैक्सीनेशन इसी साल हासिल कर पाए। क्या होगा अगर हम इंडिया को फास्टेस्ट कंट्री के रेट से वैक्सीनेट करें, ये जानने के लिए हमने चाइना के डेटा को देखा। चाइना एक ऐसी कंट्री है जिसका 7 डे रोलिंग एवरेज सबसे ज्यादा हाई है। इनफैक्ट 17 मई को चाइना का एवरेज था अराउंड 12 मिलियन, जो कि बाकी सभी देशों से कहीं ज्यादा था। अब अगर इस एवरेज को हम इंडिया के केस में यूज करें, यानी अगर हर दिन इंडिया में 12 मिलियन वैक्सीन दी जाएं, तो इंडिया फुली वैक्सीनेट कब हो पाएगी। इन जस्ट 204 डेज, यानी इन लेस देन अ ईयर, बाय दिसंबर 2021। इसका मतलब है कि अगर इंडिया को इसी साल तक फुल वैक्सीनेशन अचीव करनी है तो हमें हर दिन 11 मिलियन से भी ज्यादा वैक्सीनेशंस करने होंगे, और ये हमारे करंट बेस्ट रेट से 3 गुना ज्यादा है। बट ऑफ कोर्स ये सब डिपेंड करता है इस पर कि आगे आने वाले टाइम में क्या स्टेप्स लिए जाएं। एट दिस मोमेंट थिंग्स लुक रियली ब्लीक फॉर सम नेशंस, और स्पेशली उन देशों के लिए जिनकी इकोनॉमी बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि जैसे आप देख सकते हैं देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस इन द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन वैक्सीनेटेड इन हाई इनकम कंट्रीज वर्सेस लो इनकम कंट्रीज। इन फैक्ट द सैड ट्रूथ इज दैट मोर देन 80% ऑफ द टोटल डोजेस हैव गॉन टू कंट्रीज दैट हैव हाई और अपर मिडिल इनकम्स। कंट्रीज की परफॉर्मेंस में डिवाइड इस चीज में भी झलकता है कि अलग अलग कॉन्टिनेंट्स की परफॉर्मेंस भी बहुत अलग रही है। इसमें साफ दिख रहा है कि वेस्टर्न पावरफुल कॉन्टिनेंट्स आर परफॉर्मिंग बेटर। ये सारे नंबर्स हमें साफ दिखाते हैं कि आगे आने वाला समय आसान नहीं होगा। इनफैक्ट अगर सेकेंड डोज ऑफ वैक्सीन समय पर उपलब्ध नहीं हुई तो ये भी मुमकिन हो सकता है कि वो लोग जिन्हें एक बार वैक्सीन लग गई हो उन्हें भी फिर से वैक्सीनेट करना पड़े, और ऐसी सिचुएशन में विल बी बैक टू स्क्वायर वन। अब जब कोविड की तीसरी लहर की संभावना है और लॉकडाउन फिर से लग चुके हैं, तो ये अनिवार्य हो जाता है कि हम एक्स्ट्रा मेजर्स लें। वी डोंट हैव अ चॉइस। मास्क पहनकर क्वारंटीन करके हम अपना और एक दूसरे का ख्याल रख सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे अपने फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए, ताकि ये इम्पोर्टेंट इशू और लोगों तक पहुंच सके और हम करंट सिचुएशन को और सीरियसली ले सके। हे दोस्तों, हमारे चैनल नटशेल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हाँ, वो बेल आइकन भी जरूर दबाएं, ताकि जब भी हम कुछ नया डालें आपको उसकी नोटिफिकेशन जरूर मिले। We're trying to continuously bring interesting stories to you. So if that's something you're interested in, this is the channel for you.